दोस्तों ग्रेट इंडियन टीवी में आपका इस्तकबाल है और हम आज इस वक्त मौजूद है रेती बंदर पर और हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो पिछले 37 सालों से मुमरा कलवा की सियासत में एक्टिव है और उनकी शख्सियत मुमरा कौसा में तारुफ की कोई मोहताज नहीं है। कई लोग उन्हें जानते हैं, आपने उन्हें कई जगह देखा होगा, कई इवेंट्स में देखा होगा मुमरा के। तो आइए आपकी मुलाकात करते हैं शिवसेना सहकारी विभाग के थानाट जिले के अध्यक्ष प्रदीप जंगम साहब से, जो इस वक्त हमारी मुलाकात उनसे इत्तेफाकिया हो गई है क्योंकि वो मतदार के कामों से निकले थे, अपने काम से निकले थे और उन्होंने हमें मुलाकात दी रास्ते पर। तो सर, ग्रेट इंडियन टीवी की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक इच्छुक उम्मीदवार भी हैं मुमरा कलवा के। तो सर, आपसे ये पूछना चाहते हैं हम कि इतने सालों के बाद 10 सालों के एनसीपी का मुमरा में राज रहा, यहाँ पे एनसीपी का एमएलए रहा, कहा जाता है कि जितेंद्र अहवार इस वक्त एक मजबूत उम्मीदवार है मुमरा में और उनके सामने खड़ा होने के लिए जिस उम्मीदवार को खड़ा होना होगा उसके पास पैसे भी ज़्यादा होंगे, राजनीति भी होना चाहिए और राजनीति का तजुर्बा भी ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? मैं इस इलाके में 37 ईयर से काम कर रहा हूँ, पूरा जिला मुंबई में, और 27 साल से मुमरा में काम कर रहा हूँ। लोग मुझे हर गली में, हर चौराहे पे जानते हैं। मैं यूनियन का काम भी बहुत देखा यहाँ पर, मुझे विटावा, कलवा, खारेगांव, रेती बंदर, मुमरा, कौसा, पडलेगांव, यहाँ पर एक खुशी का माहौल हो गया है। प्रदीप जंगम नाम सुन के लोग पीछे आते मेरे भाग के, गर्दी करते हैं, अरे आपका नाम आ रहा है, आप ये काम कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अच्छा है, इंटरेस्ट लिया आपने इलेक्शन में, तो एक अलग खुशी का माहौल। उनको लग रहा है कि ये इलेक्शन होगा, ये टक्कर का इलेक्शन होगा, लोग देखेंगे कि ये इलेक्शन में रैली निकलेंगी, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा, एक इलेक्शन में जो घबराहट गर्माहट आती है वो यहाँ पर दिखेगी। प्रदीप भाई, इस वक्त मुमरा में एक चर्चा है कि अब की बार ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो एमएलए होना चाहिए वो स्थानीय होना चाहिए और जैसे कि आप खुद भी एक स्थानीय हैं सर, लेकिन सर बात ये है, लोगों का ये भी कहना है जो एनसीपी के सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जितेंद्र अहवार जो है वो लोगों में काफ़ी घुल मिल जाते हैं, कनेक्टेड है, उनको बुरा भला भी कहा गया यहाँ से। और सर ये कहना है लोगों का कि वो लोगों में घुलते मिलते तो है ही और उन्हें जब भी कहा जाए आधी रात को भी पहुंच जाते हैं, ऐसा एनसीपी सपोर्टर्स का दावा है। और सर ये बात है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आदित्य ठाकरे सर आए थे जो कि एक युवा नेता है और अच्छी सोच है उनकी, बेहतरीन सोच है, उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की, लेकिन सर मुमरा के लोगों को एक छोटी सी शिकायत ये रह गई कि वो बस से उतरे नहीं, उन्होंने मुलाकात नहीं दी, सुनना चाहते थे लोग आपके युवा नेता। एक गलत बात है, जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ उनकी जो रुकने की जगह थी वहाँ पर आगे लोगों को हाथ मिलाया, उन्होंने हस्तांदोलन किए, लोगों को गले लगाया, लोगों को उनकी तकलीफें सुनी, उनके क्या क्या समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में उन्होंने उनके लोगों ने लिख के भी लिया वो चीज़। और एक झूठी बात ऐसी है कि ये यहाँ के विधायक है, 10 साल में यहाँ पर घूमे नहीं, यहाँ पर प्रदीप जंगम मालूम है, एक मिनट में फ़ोन करते दूसरे मिनट में पहुँच जाता है यहाँ पर, 24 घंटा मेरे नाम दिया यहाँ पर G24 घंटा ये भागने वाला इंसान, और मैं स्थानीय हूँ, मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ। मुमरा में मुझे 5-10-15 मिनट लगते हैं, विटावा में, कलवा में, खारेगांव में तो मैं रहता हूँ, तो सेंट्रल जगह पे मैं हूँ। और जितेंद्र अहवार 10 साल घुमा नहीं, यहाँ के लोगों की परेशानी, प्रदीप जंगम एक ऐसा नाम है, मैं खुद की तारीफ क्यों करूँ, लेकिन एक मेरी तारीफ मैं नहीं करूँ तो लोगों तक पहुँचेगा कैसा ये चीज़। हॉस्पिटल का ये मुद्दा हो, मसला हो, रात के 2-3-4 बजे फोन हो गए आगे, तो तुरंत मैं उनका सॉल्व करता, बहुत सेंसिटिव मुद्दा होगा तो मैं खुद जाके वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। किसी भी चीज़ की एक ही नाम आता है आगे की, प्रदीप जंगम, एक आवाज़ दो और आवाज़ के साथ, और यहाँ के विधायक तो मिलते भी नहीं है, ये खाली हुलाहुल करते हैं, कुछ किसी के काम में आते नहीं, कुछ नहीं, खाली इलेक्शन आ गया तो आ गए, एक महीना घूम रहे, जैसे आप बोले पैसा वैसा उनके पास बहुत है, लोग करे देखेंगे, वो पैसा बांटे किसी को, हमारी कुछ हरकत नहीं, वो जो चीज़ से करे, लेकिन मैं लोगों की सेवा करते आया हूँ। लोग एनसीपी के कई नगर से बोलते रहे प्रदीप जंगम बॉस बॉस है हमारे, ये इन्होंने हमको ABCD सिखाई है राजनीति की, इतने तक बोलते हैं। और कितने लोग एनसीपी के बड़े बड़े लोग जिनके पास 2-5 हजार की जमावड़ा है,
ऐसे लोग बोलते कि प्रदीप जंगम इसके बाद है तो हम खुले आम आ जाएंगे। मैं हर पार्टी के लोग, हर संस्था के लोग, हर मंडल के लोग मेरे से जुड़ने चाहते हैं। उनको एक हर डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप तो आमदार होंगे तो भी एक कार्यकर्ता के जैसे रहने वाले आप, तो हमको आमदार ऐसा चाहिए कि हमारे लिए जो तकलीफ है उस तकलीफ को खड़ा रहने वाला इंसान चाहिए हमको। और मैं एक इंसान करके लोगों के लिए खड़ा रहना, आमदार करके मेरे को मुझे दंडेरा पिटना नहीं है, आमदार करके लोगों की सेवा में हाजिर होना मुझे। अब जैसे सेवा करता हूँ लोग बोलेंगे आमदार होने के बाद आप बदल जाओगे, उससे अच्छे बेहतरीन काम करने की मुझे मौका मिलेगा। उस मौके के लिए आप मुझे यहाँ पर मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहब मुझे जरूर मौका देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लोग नहीं तो लोग बोलेंगे सच्चा इंसान, सच्चा कार्यकर्ता जो है शिवसेना का, और अब मौका है कि इस विधायक को धक्का देने का। तो एक ही टक्कर वाला आदमी वो प्रदीप जंगम, बाकी इस लोगों को दिखता नहीं। लोगों जहाँ भी चलता हूँ, थाना चलता हूँ, यहाँ चलता हूँ, वहाँ चलता हूँ, लोग यहाँ के विधायक के विधानसभा के क्षेत्र के बाहर भी जाने के बाद लोग बोलते हैं आप, आपका नाम चल रहा है, बहुत अच्छी बात सुनने में आ रही है, अच्छी खबर सुनने को आ रही, आप पक्के आमदार बनोगे। और मैं मेरे खुद के बारे में इतनी तारीफ करूं अच्छा नहीं, लेकिन लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरे काम को जानते हैं। ये 24 घंटा लोगों को सेवा करता है, नाले में उतरता है, किसी गाड़ी बंद पड़ी गाड़ी को धक्का देता है, चार लोगों को जुटाता है, गाड़ी उसकी चालू कर देता है, कचरा की समस्या हो, एनी हाउ प्रॉब्लम्स, उसमें ये प्रदीप जंगम खुद दौड़ के आता है। या तकलीफ जिसको समस्या का बना होगा, ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन एक ट्रायंगल बन गया है। जैसे आप चार तरफा बोले, शिवसेना एनसीपी से डरा रही है, एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना से डरा रहे हैं, एक तरफ एमआईएम है, लोग कह रहे हैं कि एमआईएम बीजेपी के साथ है, यानी कि गड़मट हो गया है सर। और ऐसे मौके पे सर, जो शिवसेना है और मुस्लिम उमरा एक मुस्लिम माहौल इलाका होने की वजह से सेकुलर पार्टियों की ज्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, ज्यादा इन्हें तरजीह दी जाती है सर, ऐसे मौके पे ऐसे में कैसे आप शिवसेना को प्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर हिंदू धर्म का दसरा मेला हुआ था, ज्यादा मैं फोर्स नहीं करने के बाद भी 10 गाड़िया भर के मुस्लिम महिला सब भाई मेरे जमा होके दादर में जो आए थे हम लोग, यानी 550-600 सब मुस्लिम लोग वहां तक पहुंच गए, और उन्होंने 6-7 घंटा हमको दिया हिंदू धर्म का। इसमें तो उनको मालूम है कि प्रदीप जंगम है, ये मुस्लिम भाई हो या कुछ हो, यहाँ पर देखो यहाँ पर इन्होंने ये विधायक ने कुछ किया नहीं, यहाँ पे लोग उनको यानी खाना नहीं मिलता है, लोग भूखे सोते हैं, कितने घर है 20% घर तो ऐसे है भूखे सोते। ये विधायक करता क्या है? कुछ नहीं किया। यहाँ पर मेरे आने के बाद मैं जो करूँगा, देखो यहाँ का नजारा बंदी करूंगा मैं, हर चीज की, हर नागरिक की समस्या मैं उसको जानूंगा, उसको पढ़ूंगा और तुरंत एक्शन लूंगा, तुरंत लोगों का हल करूंगा। ये मैं बोलता हूँ नहीं, लोगों को लोग खुशी में है कि इनको टिकट आ गए, ये विधायक बन गए या आमदार हो गए, क्यों तो ये इंसान काम करने वाला है। और खुद जो विधायक है वो डर गया, ये आएगा तो भाई हमारी टायर का पंचर होने वाला है। ये तो मैं डैशिंग हूँ, मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे साथ में जुड़े हैं उनके लिए रात दिन मेहनत करता हूँ, रोज करता हूँ। इलेक्शन है करके नहीं, मैं 24 घंटा 365 दिन लोगों के सामने है, गली में है, हर चौराह में लोग देखते हैं, मैं रिक्शे में घूमता, बाइक में घूमता, कार में घूमता, लोग देखते रहते हैं। और एक विधायक तो दिखाई नहीं देता, इलेक्शन है तो अभी घूम रहा है और डर गया अभी क्या क्या कर रहा है अभी। आप जैसे बोलो वो पैसा ये कर रहा है, वो कर रहा है, खर्च कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, अब इधर इवेंट कर रहा है, करने दो। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम आपको ही जिता के लेके आएंगे। आखिरी सवाल सर, एक आपने कहा कि आप सबके प्रॉब्लम से जाते हैं, आप सबका साथ सर, अभी 21 जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसके दूसरे ही दिन यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई थी रेती बंदर में, सर वहाँ पर 22 परिवार बेघर हो गए। उसके एक महीना पहले आप ही की पार्टी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने फॉरेस्ट विभाग की डमी नोटिस को जलाकर कहा था कि किसी का घर टूटेगा नहीं, लेकिन सर ऐसा हुआ कि उनके घरों को धराशायी कर दिया गया आचार संहिता में, जबकि उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं होती कानूनन। सर मेयर आपका है, आपकी सरकार है कॉर्पोरेशन में, आपका एक अच्छा होल्ड है पूरे महाराष्ट्र में सर,
लेकिन सर इस वक्त तक शिवसेना की तरफ से क्यों कुछ उनको आश्वासन नहीं दिया गया? विधायक आखिरी सवाल है ये, आप जवाब दे दीजिए। इधर के विधायक क्या करते, खुद नोटिस भेजते, खुद डराते धमकाते, कार्रवाई करने को लगाते और बचाने को भी खुद आते। इनकी ये स्टाइल है, इनकी एक वो तरीका है कि लोगों को डराना। हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, वो ऐसे नहीं, एक बार शब्द दिया, जबान दिया, लेकिन अचानक से ही तो को देख के और इलेक्शन का सब माहौल देखकर वो पहुंचे नहीं रहे, क्योंकि तो उनको पूरा महाराष्ट्र तक भागना है, लोगों की सेवा की, लोग देख रहे हैं उनको टीवी पे देख रहे हैं, किस तरह से एक आम आदमी के तरह, एक कार्यकर्ता के तरह वो मैदान में उतरे, वो आपत्ति जगह पे पहुंच के मदद की, उन्होंने हर चीज की मदद की, लोगों ने आंसू निकाले, लोग बोले, आर्मी तक पुलिस वाले डिपार्टमेंट हर इसके लोग बोले कि इंसान ऐसा इंसान होना मांगता है, तो ऐसे लोग हैं हमारे। और मैं खुद यहाँ का MLA होता हूँ तो ये सब चीजें हैं, इसको मैं क्या करूँगा, पढ़ूंगा और तुरंत हल करूँगा, और लोगों के घर को जो बेघर होने नहीं दूंगा, लोगों को हर घर में रोटी मिलेगी, हर घर में हर इंसान पढ़ा लिखा इंसान के लायक उसको जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो काम करने के सोचता है, अच्छा काम कर रहा है मुझे, लेकिन मुझे कुछ धंधा नहीं पानी नहीं, उसके लिए धंधा व्यवसाय चालू करवाऊंगा। हर सफाई जो भी मेरे नजर में आएगा, जो भी मेरे पास आएगा, समस्या के लेके के उसका 99% मैं वो काम हल करने की कोशिश जरूर करूंगा मैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर आपका। और आइए प्रदीप भाई के साथ ही रहने वाले उनके करीबी मुश्ताक भाई, जो के मुमरा के उप विभाग प्रमुख है शिवसैनिक, उनसे बात करते हैं। जैसे कि आप प्रदीप भाई के साथ रहते हैं और वे इच्छुक उम्मीदवार भी है, तो क्या कहना है आपका प्रदीप भाई के बारे में, क्या अपील करेंगे मुमरा की आवाम से? देखिए, आवाम से अपील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवाम इतना जानती है कि अब तक जो चुनाव हुए उस चुनाव में और इस चुनाव में, जब से प्रदीप जंगम साहब ने इच्छुक उम्मीदवारी जताई है, मुमरा कौसा की जनता ऑलरेडी खुश है, वो चाहती है कि ऐसा ही उम्मीदवार मार्केट में आए, क्योंकि झूठे दिलासे से पब्लिक उब चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा असल काम जो है, जो कोई कर सकता है, हमें इंसाफ दिलाना हो, हमारी कोई भी मुसीबत हो, या कोई भी अगर कुछ कर सकता तो वो प्रदीप जंगम साहब है। और उनको उम्मीदवारी मिलने से इस बार का जो मुकाबला है 149 विधानसभा अपना 2019 का, वो एकदम टफ होने वाला है, क्योंकि उम्मीदवार वैसा मांगता है लड़ने के लिए। अगर उम्मीदवार सामने स्टैंडिंग MLA के सामने अगर उम्मीदवार अच्छा नहीं होगा तो चुनाव में मजा नहीं आता है, चाहे जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, कोई भी हो। मगर इस बार जो देखने मिल रहा है, लोगों की, जनता की राय भी यही है, और प्रदीप जंगम साहब की पकड़ भी काफी मजबूत है। ये नहीं कि सिर्फ कलवा और मुमरा, प्रदीप जंगम साहब की पकड़ जो वागले स्टेट है, जहाँ शिंदे साहब का एरिया है, ठाणा जिला है, मुंबई है, अगर प्रदीप जंगम साहब अगर उम्मीदवारी लेके मैदान में आते हैं तो यहाँ कलवा मुमरा के अलावा ठाणे जिला हो, मुंबई हो, बहुत सी जगह पर फायदा हो सकता है पक्ष को। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं आवाम से ये उम्मीद करना चाहूंगा, उम्मीद करता हूँ मैं आवाम से ये, कि आवाम इस बार सही प्रतिनिधि को चुने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे प्रदीप जंगम साहब, मुमरा कलवा विधानसभा से शिवसेना के इच्छुक उम्मीदवार। उनका कहना है कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो अपनी तरफ से मुमरा कौसा का जितना अच्छा विकास हो सकता है करेंगे, और लोगों की समस्या को खुद सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच कोई समस्या ना रहे। कैमरामैन समीर सैयद के साथ आदिल खान, ग्रेट इंडियन TV न्यूज़।